टू ऑल माई सेल्फ शाह अनिता उमेश कुमार फ्रॉम परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी. टॉपिक्स कवर पार्ट समझ. डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड हमारा फर्स्ट सेमिस्टर का हमारे हिंदी सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 और 2 हमने अच्छी तरह से समझा. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी, आज मैं आपको यह चैप्टर समझाने जा रही हूँ. डियर स्टूडेंट्स, यह जो कहानी है कुत्ते की वफादारी, कई आपने कई जीवन में कई कहानी सुनी होगी, लेकिन कई कहानी काल्पनिक होती है. मैक्सिमम कहानी काल्पनिक होती है, लेकिन आज आपके सामने जो यहाँ कहानी प्रस्तुत है वह कहानी एक रियल स्टोरी है. अर्थात यह कहानी एक बनी हुई एक कहानी है जो बन गई है, रियल लाइफ में यह स्टोरी हो गई है, ऐसा कहा जाता है. ये कहानी में एक कुत्ते की बात की गई है जिसकी वफादारी की बात की गई है. आज के ज़माने में डियर स्टूडेंट्स, मनुष्य भी वफादार नहीं होता, तो यहाँ कुत्ते की वफादारी की बात की गई है. किस कुत्ते की वफादारी की बात की जाए तो हमें प्राचीन समय में महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसकी भी वफादारी को हम सब ने सुना है. तो आज के ज़माने में मनुष्य से ज़्यादा प्राणी वफादार दिखते हैं, तो ऐसे ही कुत्ते की वफादारी की कथा बताता हुआ एक हमारा थर्ड चैप्टर है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. लेखक है लल्लू भाई रबारी. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर यानी बताया है. कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती, यह कहानी हमें यही सीख देती है. डियर स्टूडेंट्स, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी जब जल्दबाजी में, जल्दबाजी यानी उतावल, कभी कभी हमें जीवन में कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं कि जिससे हमें बहुत ही पछताने की नौबत आ जाती है. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी से माध्यम से बताई है. लेखक यह कहानी कभी कभी जीवन में जल्दबाजी का नतीजा बहु हमें भुगतना पड़ता है, यह बात लेखक ने बंजारे और कुत्ते के माध्यम से हमें बताई है. उत्तर गुजरात के पाटण जिले के रहधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है. वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है. समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही. उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है. उत्तर गुजरात, गुजरात में तो उत्तर गुजरात है, मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात है. तो उत्तर गुजरात में पाटण जिला है जिसका एक छोटा सा गांव है रधनपुर. हाँ, उसका जो रधनपुर है उस वहाँ एक तालाब है और जिसके तट पर, तट पर यानी उसके किनारे पर कुत्ते की समाधि है. समाधि यानी स्मारक, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद में जो बनाया जाता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति ये या प्राणी की याद में जो बनाया जाता है उसे समाधि कहते हैं. तो हमें आश्चर्य जानकर आश्चर्य होगा कि समाधि और वह भी कुत्ते की, यह हमें जानकर आश्चर्य होगा. तो उसके पीछे एक सुंदर और मन को मोह लेवाने हल्ला देने वाली कहानी है. तो चलो डियर स्टूडेंट्स, हम कहानी पढ़ेंगे. सबसे पहले यह देखो आपके सामने जो चित्र हैं उसमें राधनपुर का गांव के तालाब है और तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे कुत्ते की समाधि
बनाई गई है। यह लाखा बंजारा ने अपने पश्चाताप के रूप में प्रायश्चित के रूप में उसने वह समाधि बनाकर अपनी भूल की पश्चाताप किया है। तो यह वही समाधि है, वही कुत्ते की समाधि है। तो चलो हम पाठ समझेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने में अर्थात ये नया ज़माना है, तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारे। बंजारे यानी एक विचरती जाति, एक जाति, एक घुमक्कड़, या एक घुमक्कड़ और विचरती जाति जो कहीं ठहरती नहीं, एक जगह ठहरती नहीं, एक से व्यापार करते थे। कैसे? थोड़ा समय यहाँ लगे कि यहाँ उन्हें व्यापार अच्छा चल रहा है, पानी मिल रहा है, कुछ कमाने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो वहाँ ठहर जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अब यहाँ से चले जाने चाहिए, तो वहाँ से आगे चले जाते हैं, वहाँ जाकर थोड़े समय ठहरते हैं। इस तरह यह जाति विचरती जाती, यानी कहीं ठहर कर नहीं रहती, घूमती रहती है। तो ऐसे पुराने ज़माने में एक बंजारा था, और पुराने ज़माने में व्यापार को लाने और ले जाने का काम बंजारा करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था, और वहीं से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। अभी एक बंजारा था, डियर स्टूडेंट्स, वह भी कुछ ऐसा ही व्यापार का काम करता था। उसके पास ऊँट भी थे कुत्ते के अलावा, तो वो क्या करता था, को गांव से सामान लाद कर, अर्थात गांव का जो सामान है ऊँट पर लाद कर रख कर, लाद कर यानी, और वह शहरों में ला जाता, और शहरों में से क्या क्या लाता था, तो मिश्री यानी शक्कर, गुड़ यानी गुड़, मसाले यानी हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, ऐसे मसाले वह शहरों से गांव में लाकर बेचता था। इस तरह वह उसका व्यापार था। उसका व्यापार लाखों का था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। उसके पास ऊँट थे, और ऊँट के अलावा उसके पास एक सुंदर कुत्ता था, और कुत्ता उसका कैसा था, बड़ा वफादार था। वफादार यानी स्वामी भक्त। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कुछ समय का, यात्रा में कुछ समय के लिए ठहरना। हम कहीं जाते हैं तो सीधे वहीं नहीं चले जाते, थोड़ा समय कुछ जगह ठहरते हैं, वहाँ नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, और थोड़ा आराम जैसा लगे फिर हम चलते यात्रा करते हैं। तो इस तरह यात्रा में कुछ समय का ठहरा उसे पड़ाव कहते हैं। तो बंजारा जब गांव से शहर में और शहर में गांव जाता था, तो उसका रास्ता जंगल से पड़ता था, तो जंगल में वह कुछ समय रुकता था, और उसे पड़ाव कहते हैं। तो जब वह रुकता था, आराम करता था, उस समय कुत्ता अपने उसके पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटारे कहीं आते जाते दिखाई दे, तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। क्या करता था, जब बंजारा पड़ाव पर रुकता था, वो आराम करता था, अगर उसे कुत्ते को उस समय कुत्ता उस पड़ाव की रखवाली करता था, चोर लुटारे दिखाई दे, तो उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। देखो, व्यापार सब लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार व्यापार में हमें प्रॉफिट ही मिले, नफ़ा ही मिले, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ समय ऐसा भी होता है कि व्यापार में हमें खोट भी जाती है, लॉस भी होता है। तो एक बार बंजारा अपने व्यापार में मार खा गया। मार खाना यानी नुकसान हो गया उसका, मगर मार खा गया, रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, उसे पैसे की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई, उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, तो वह कहाँ गया, राधनपुर के एक सेठ के पास गया और उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ ने कहा कि रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन
इसके बदले जमानत के रूप में तुम क्या गिरवी रखोगे। सेठ ऐसे ही होते हैं जो पैसे तो धीर धार का धंधा करते हैं, वो लोग पैसे तो दे देते लेकिन इसके बदले में कुछ न कुछ हमारी कीमती चीज़ वो अपने पास रख लेते हैं। तो सेठ ने कहा कि मैं पैसे तो तुम्हें दे दूँगा लेकिन इसके बदले तुम जमानत पे मेरे पास क्या गिरवी रखोगे। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा ने कहा सेठ से कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी ना होना एक मुहावरा है, अर्थात अत्यंत गरीब होना, कुछ न होना। अभी मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने वैसे भी व्यापार में मार खा गए हैं, मैंने सब कुछ गवा दिया है। मेरी जबान, जबान यानी जिह्वा, मेरा वचन, मेरी बात पर आप विश्वास रखिए और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं 1 साल में ही आपके आपके साथ पूरी रकम सूद समेत, सूद यानी रकम का पूरा ब्याज, रकम और उसके ब्याज को मिलाकर मैं 1 साल में ही आपको आपको चुका दूंगा। ऐसा लाखा ने सेठ को कहा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दूंगा। लाखा के पास कुछ तो था ही नहीं कीमती चीज, इसलिए सेठ ने बोला, अच्छा कुछ न बात कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह जो कुत्ता है वो मेरे पास रख दो जमानत के रूप में, फिर जब तुम मुझे पैसा लौटा दो तब कुत्ता भी ले जाना, मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। उसे बंजारे को अपना कुत्ता बहुत प्यारा था क्योंकि वह वफादार था, इसीलिए इस बात सेठ की इस बात के लिए बंजारे को बहुत दुख हुआ। लेकिन इस समय बंजारे के पास कोई चारा नहीं था, चारा यानी उपाय, कोई उसके पास उपाय नहीं था। कुत्ते को गिरवी रखने के सिवाय उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिए और वहाँ से 9:00-11:00 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को, अब क्या हुआ। इस बात को कुछ समय बीत गया। अब एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने यह सब देख लिया तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने देखा कि दूर जंगल में चोरों ने सारा माल सामान, सेठ का सारा कीमती माल सामान एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ डाल दिया है और वहाँ से वो 9:00-11:00 हो गए, 9:00-11:00 हो जाने यानी भाग गए। वहाँ उन्होंने पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर जमीन पर वो सामान रख दिया और फिर वह चोर वहाँ से भाग गए। यह सब कुत्ते ने देख लिया था। कुत्ता यह वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए और कुत्ते ने जब ये देखा तो वह वापस गया और अपने सेठ को वह भोंक भोंक कर बताने लगा। कुत्ता बोल तो नहीं सकता था, इसलिए अपनी पद्धति से, अपनी रीति से वह भोंक भोंक कर सेठ को यह बताने लगा कि चोर आपका सारा माल सामान ले गए है। और यह देखकर सेठ तो हक्का बक्का रह गए, हक्का बक्का रह जाना अर्थात चकित हो जाना, वो तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था, वह कुत्ते की प्रेम से थपथपाने लगे और वह कुत्ते की वफादारी से मुग्ध हो गए। सेठ यह देखकर हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित रहे। वह कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचकर वहां ले गया। वह कुत्ता आगे आगे चला, सेठ उसके पीछे पीछे गए। कुत्ता वहीं जाकर रुक गया जहां चोरों ने सारा सामान उनका
जमीन में गाड़ा था और वहां जाकर कुत्ते ने जमीन को अपने पैरों के नाखून से वह मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सेठ का सारा सामान निकल आया। यह देखकर तो सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। सेठ अत्यंत खुश हो गए और उसका पीठ प्रेम से पीठ थपथपाने यानी अर्थात शाबाशी देना उसे शाबाशी देने लगे और कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी मोहित हो गए। और फिर उन्होंने घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते की गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा के बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। सेठ अब कुत्ते की वफादारी से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी कुत्ते के गले में एक पट्टी रखकर उसमें बांध दी और कुत्ते से कहा कि कुत्ते भाई जाओ तुम यहाँ से अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त यानी आजाद, स्वतंत्र कर रहा हूँ। यह बात सुनकर कुत्ता, कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर हमारी बात नहीं समझते लेकिन जानवर बात हमारी समझते हैं। कुत्ता यह बात सेठ की बात समझ गया, वह खुश हो गया और मालिक मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अपने लाखा बंजारे अपने मालिक के मिलने के लिए वह भागने लगा। उधर लाखा ने व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। इस बात को थोड़ा समय हो गया था इसलिए सेठ ने उधर लाखा ने भी जो सेठ के पास से रकम ली थी उस रकम से उसने थोड़ा व्यापार अच्छा कमा लिया था और रुपया भी कमा लिया था। इसलिए वह उसी समय उसको सेठ को वह रकम लौटाने उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ताव, बस कुत्ते पर माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या हुआ कि उसी रास्ते से लाखा सेठ को दी हुई रकम वापस लौटाने आ रहा था। उसने दूर से देखा कि उसका कुत्ता उसे उसने सामने देखा कि उसका कुत्ता उसके सामने आ रहा है। तो वह नाराज़ हो गया। नाराज़ इसलिए हो गया कि उसे ऐसा लगा कि कुत्ते ने उसकी जबान काट ली। जबान काट लेना अर्थात उसका वचन भंग किया है। लाखा ने सेठ के यहाँ कुत्ते को गिरवी रखा था तो आज कुत्ते ने उसकी जबान काट ली है और वहाँ से लाखा को ऐसा लगा कि कुत्ता वहाँ से भाग आया है, उसने बेवफाई की है। इसलिए उसने अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। लाखा को ऐसा लगा इसलिए उसे ना आओ ना देखा ताव, आओ ना देखना ताव, बिना सोचे समझे कार्य करना, आओ ना देखना ताव, तो बिना सोचे समझे काम करना। तो उसने बिना सोचे समझे ही बस कुत्ते पर अपने लाठी का प्रहार कर दिया। जो लाठी उसके पास थी, लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी उसके पास थी, उसका उस पर मार दिया। प्रहार करना यानी मार देना। कुत्ता बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और मर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुसमेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। फिर जब वह कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा तब लाखा ने देखा कि उसके गले में एक चिट्ठी बंधी है। तो जब लाखा ने पढ़ा तो उसमें खुद सेठ ने चिट्ठी में लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मेरा जो खोया हुआ माल था, चोरी हुआ माल था, वह मुझे तुम्हें तुमने जो रकम ली थी उस रकम के रूप में मुझे सूद समेत ब्याज समेत वह वापस लौटा दिया है। इसलिए मैं खुश होकर कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ और उसने मेरे घर चोरी हुए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया।
यह कुत्ते केशव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए हो तक गया जब चिड़िया चुग गई के। लाखा तो यह पढ़कर चकित हो गया, आश्चर्यचकित पड़ गया। वह चिल्लाने लगा कि हाय, अब मैंने रोने लगा वह चिल्लाने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। अपने कुत्ते के शव, कुत्ते की बॉडी को लेकर, मरी हुई उसकी जो बॉडी थी उसे लेकर वह फूट फूट कर रोना, यानी जोर जोर से वह बहुत अधिक रोना, जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। कहावत है, नुकसान हो जाने पर अर्थात समय निकल जाने पाप के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। लाखा ने पछतावे के रूप में उसे उसने जो किया था, उसने जो अविवेकी काम किया था, उसने जो जल्दबाजी में काम किया था, अब वह पछता रहा था। लेकिन पछताने के बाद, अब जल्दबाजी में किए हुए काम के बाद अब पछताने से कुछ नहीं मिलता। इसके प्रायश्चित के रूप में, उसकी वो पछतावे के रूप में उसने उस कुत्ते के, वफादार कुत्ते की एक समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर आज भी खड़ी है और उस वफादार कुत्ते की कथा सारे संसार को सुना रही है। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी, आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी में कि कुत्ते ने किस तरह अपनी वफादारी निभाई थी, लेकिन उसके स्वामी लाखा की कुछ जल्दबाजी के कारण उसने अपना वफादार कुत्ता गुमाया और लाखा ने भी अपने वफादार कुत्ते को अपनी जल्दबाजी के कारण खो दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और आप आगे की जो एक्सरसाइज हैं मैं दूसरे वीडियो में आपको सब समझा दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल।